हेलो वेलकम गाइस टू आवर ट्राइकोलॉजी मालदा हेयर क्लिनिक। एक भाई आया है, भाई का हेयर ट्रांसप्लांट किया था। हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद उसका ग्रोथ आया नहीं, मेरे पास आया है। उसका 1.5 से 2 महीना लगेगा। उसमें पूरा जो हेयर है, जो फॉलिकुलर है, ये देखो भाई तू माथा स्कैल्प को दिखा दो। ये पूरा ये जो ये हेयर दिख रहा है ना, ये ट्रांसप्लांट का हेयर है। ये देखो, ठीक है, ये देखो जूम करके, ये हेयर ट्रांसप्लांट का हेयर है ये, ठीक है, ये हेयर ट्रांसप्लांट का हेयर है। सो इसमें क्या होगा, आज मैं इसका ट्रीटमेंट चालू कर रहा हूँ। 2 से 3 महीना लगेगा, पूरा मैं ग्रोथ आ जाएगा। तो एक डेमो दिखाने के लिए आपको वीडियो किया। और दूसरा बात, ये यहाँ पर हेयर ग्रोथ जो होता है सब फ्री होता है, ठीक है भाई। बहुत दूर से आया है मेरा पास अपना रिजल्ट वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये ट्रांसप्लांट ये ट्रांसप्लांट हेयर है, ठीक है। ये ट्रांसप्लांट किया था, 30 से 40 हज़ार गया था उसका। फिर मेरे पास आया है ग्रोथ करने के लिए भाई। तो इधर से पूरा जो गैप है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा गैप कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं पड़ेगा। इसलिए वीडियो से मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी किधर ट्रीटमेंट कर रहा है मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा है ट्रांसप्लांट करने के बाद भी, तो मेरा क्लिनिक पर विजिट कीजिए। देखो मैं यहाँ पर जो ट्राइकोलॉजी का कोर्स होता है, ट्राइकोलॉजी का जो मशीन है, वो सब मैं फ्री यहाँ पर चला देता हूँ, ठीक है। ये नाजुक सी जगह हेयर है, ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद इस हेयर बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। सो मैं वीडियो से मैसेज देना चाहता हूँ, कोई किधर ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने ये हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट का वीडियो दिया है। इससे ज़्यादा दिन नहीं, प्राय 2 महीने लगेगा। देन इसमें जो हेयर मतलब थिनिंग कम गया है, डेंसिटी नहीं है, उसमें पूरा आ जाएगा। सो मेरा क्लिनिक विजिट कीजिए। प्रीमियम क्वालिटी का ट्रीटमेंट एट अफोर्डेबल प्राइस। सो छोटा वीडियो करने के लिए थैंक यू।